वेलकम रोडी। तो देखो, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको आता है कि सपोज करो कि जैसे देखो इसमें क्या है, प्रॉब्लम को अगर पढ़ोगे तो लिखा गया हुआ है कि आपको 25 mm थिक जो है वो फ्लोरिंग करनी है कंक्रीट की, जिसमें जो है वो आपको ये जो है वो वॉल्यूम का आपको रेशियो दिया गया हुआ है, और इसमें जो है वो 1.5 mm जो है वो थिक नीट सीमेंट स्लरी है, और लेबर का जो है वो मीन्स कितना आपको रिक्वायरमेंट होगा वो सभी चीज़ें दी गई हैं। ओके, तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट पर यूनिट एरिया ऑफ द फ्लोर। ओके, ये आपका जो है वो क्वेश्चन है। तो देखो इसको जो है वो कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आपको जो है वो फॉर 1 m² आपको जो है वो वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो 0.025 जो है वो m³ आ गया आपको कंक्रीटिंग का। ओके, और अगर मैं सीमेंट की बात करूँ तो सीमेंट के लिए जो है वो आपको यहाँ पे 1 × 0.0015। ओके, क्योंकि 1.5 mm थिक है, तो 1 m² × 0.0015, क्योंकि 1 mm को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो m³ में, तो 0.0015 आ गया। ओके, अब देखो डेंसिटी हम लोग सीमेंट का, ये आपको याद करके जाना होगा, क्योंकि डेंसिटी जो है वो हम लोग को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो सीमेंट यूज़ करते हैं एस्टिमेशन में, वो हम लोग जो है वो रेट उसका एक मास में निकालते हैं। ओके, तो मास में जो है वो हम लोग टन जो है वो यूनिट प्रेफर करते हैं, तो इसलिए जो है वो आपको जो भी निकल के आएगी वॉल्यूम आपका उससे जो है वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो अगर सिर्फ नीट सीमेंट की बात करें, ओके, तो नीट सीमेंट के लिए जो है वो आपको जो भी वॉल्यूम निकल के आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, तो आपका जो है वो यहाँ पे मास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मास की बात करें तो 0.216 जो है वो टन आपका आया है। ओके, और देखो अप्रोच क्या है कि पहले जो है वो 1 m³ का हम लोग निकालेंगे कॉन्क्रीट का, और फिर उसको 0.025 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीट सीमेंट जो है वो हम लोग मास का पहले जो है वो आता है वो निकालेंगे। ओके, तो नीट सीमेंट जो है वो, नीट सीमेंट मतलब क्या होता है, नीट सीमेंट का मतलब कि सिर्फ सीमेंट, प्योर सीमेंट। ओके, जो कि हम लोग जो है वो फ्लोरिंग से पहले जो है वो यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो देखो कि अगर आप 1 m³ के लिए अगर बात करें तो 1 m³ का जो है वो कैसे रेट एनालिसिस होता है, उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया हुआ है। आप 5-7 मिनट लगा के उस वीडियो को देख लोगे तो आपके जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि 1 m³ का जो है वो एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये जो है वो आपको जो है वो टर्म याद रखना होगा कि वन फॉर 1 m³ ऑफ कंक्रीट 1.54 m³ ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद जो है वो देखो यहाँ पे जो है वो मेरी प्रॉब्लम यहाँ से मिस्टेक्स आगे हो गई। बाद में जब मैं वीडियो बनाने बैठा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे मुझे मिस्टेक हो गई है। तो जहाँ पे जो है वो वॉल्यूम लेना चाहिए था मुझे 0.025, वहाँ पे मैंने ले लिया 0.0025, और उस वजह से मेरी मिस्टेक जो है वो पूरी बढ़ते चली गई। ओके, तो उस वजह से जो है वो मेरा जो है वो वॉल्यूम, ये जो प्राइस है अराउंड 400-500 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन ये 300 के आसपास आया है। तो यहाँ पे जो मैंने गलती की है उस वजह से हुआ है। ओके, तो आप जो है वो इसे सुधार कर लेना, आप इसे एक बार खुद से ट्राई करना, और जो भी वैल्यू आएगी तो देखना कि 400-500 के आसपास जो है वो प्राइस आएगी। ओके, लेकिन जो भी प्रोसीजर वो वैसा ही है कि पहले जो है वो आप 1 m³ के लिए आपने अज्यूम किया कि 1.54 m³ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। ओके, और सीमेंट का जो है वो अगर आप देखो तो सीमेंट के लिए अगर आप देखोगे तो सॉरी सीमेंट नहीं कंक्रीट के लिए अगर आप देखोगे तो टोटल जो है वो आ गया 0.00385। ओके, होना चाहिए 0.0385, लेकिन वो मिस्टेक की वजह से हुआ है। ओके, तो वो आप सुधार कर लेना एक बार खुद से बनाने के समय। तो सीमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा 1/7, क्योंकि रेशियो हमारा 1:2:4 है, तो 1/1+2+4 यानी कि 1/7। ओके, तो 1/7 × वॉल्यूम, तो आपका जो है वो ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड आ गया। मास ऑफ का मास सीमेंट में हम लोग को निकालना होता है क्योंकि जो है वो यूनिट टन में होता है। ओके, और हम लोग को प्राइस भी जो है वो टन में ही देना होता है, तो इस वजह से, और सीमेंट आपको मालूम है कि बैग्स में मिलते हैं, इसलिए जो है वो हम लोग यहाँ पे टन में ले रहे हैं। उसके बाद जो है वो आपको मास ऑफ सीमेंट मैंने निकाल लिया कि सीमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा, टोटल मास आप देखो नीटिंग का मैंने निकाल लिया था, तो दोनों को जोड़ दिया मैंने, जो भी प्राइस जो भी मास आया वो यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसके बाद अगर वॉल्यूम ऑफ सैंड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सैंड जो है वो हम लोग वॉल्यूम में निकालते हैं। ओके, उसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो यहाँ पे जो है वो 2/7 कर दिया। फिर जो है वो कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो यहाँ पे 4/7 कर दिया। ओके, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल बना दिया है वीडियो, तो आप देख लेना। फिर जो है वो रेट एनालिसिस सिंपल सा होता है वो कर दिया मैंने। ओके, इसमें रेट्स जो है वो आपको प्रॉब्लम में नहीं दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे प्रॉब्लम तो इसमें आपको रेट कहीं भी नहीं लिखा गया हुआ है, और क्या लिखा गया हुआ है कि आप जो है वो अपने हिसाब से जो भी रीजनेबल रेट्स मार्केट में अभी चल रहे होंगे, ओके, वो
आपको ले लेने हैं, ओके, बेस्ड ऑन द करेंट मार्केट रेट्स। तो वो रेट्स क्या क्या हैं उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दिया है और उसका PDF मैंने आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, तो उसको आप देख लेना। 1 मिनट का या 1.5 मिनट का वीडियो होगा, आपको जो है वो सब कुछ रेट का समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे रेट लेना है, ओके। तो यहाँ पर जो है वो जो मटेरियल हमारा निकल के आएगा उस मटेरियल को जो है वो मैंने ले लिया है, जैसे सीमेंट का, सीमेंट, सैंड या फिर कोर्स एग्रीगेट, इन सभी को ले लिया। उसके बाद जो है वो लेबर का ले लिया। तो देखो यहाँ पे लेबर जो है वो दो टाइप का लेबर मैंने लिया है, एक जो कि सिर्फ फ्लोरिंग के लिए यहाँ पे दिया गया हुआ है और दूसरा जो कि कंक्रीट को मिक्स करने के लिए दिया गया हुआ है, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है प्रॉब्लम में कि दो टाइप का लेबर है, एक यहाँ से पहले आप देखो, ओके, हाँ, लेबर आउटपुट जो है वो अगर आप देखोगे यहाँ इस वाले पार्ट से पहले, ओके, यहाँ से पहले, तो यहाँ देखो कि लिखा गया हुआ है लेबर आउटपुट कॉन्स्टेंट फॉर फ्लोरिंग आर दिस मैसन, दिस मजदूर एंड दिस बिस्टी। लेकिन उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ फ्लोरिंग के लिए आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए दिया गया हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मिक्सिंग के लिए तो मिक्सिंग का 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए दिया गया हुआ है। ये पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, यानी 1 मीटर क्यूब कंक्रीट होगा तब आपको इतना लेबर जो है वो यूज़ करना है, लेकिन हमारा तो कंक्रीट 1 मीटर क्यूब है नहीं। हमारा कंक्रीट कितना है, हमारा कंक्रीट जो है वो यहाँ पे निकल के आया है 0.00385, ओके, हाँ गलती है, ये होना चाहिए था 0.385, ओके। तो इसलिए जो है वो आपको सेकेंड वाला जो लेबर कॉन्स्टेंट्स है उसमें जो है वो यहाँ पे जो है वो उसे 1.54 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये है हमारा, ओके, 0.025, ओके, 0.025, लेकिन मैंने जो है वो 0.0025 कंसीडर कर लिया है, तो वो गलती है, आप जो है वो सुधार कर लेना। तो ये 0.5 × 0.0025 करना होगा, 0.1 × 0.0025, 0.7 × 0.0025, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और लेकिन इससे पहले वाला जो लेबर जो कि फ्लोरिंग के लिए लिया गया है, मैंने जो फ्लोरिंग के लिए लेबर लिया है वो एज इट इज़ आपको यूज करना है, लेकिन जो कंक्रीटिंग के लिए लेबर लिया है तो उसको जितना आपका वॉल्यूम कंक्रीट का आएगा उससे मल्टीप्लाई करके लेबर का कॉन्स्टेंट्स आपको लेना होगा, ओके। और प्राइस जो है वो आपको जो ऊपर में रहेगा वही नीचे में भी रहेगा, और रेट, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो है वो आपको बस सिंपल से सनरीसेज का कुछ पैसा ऐड कर देना, और फिर जो है वो आपको ये सिंपल सा आपको जो है वाटर चार्ज ऐड करना होता है, फिर टोटल करो, फिर GST ऐड करो, फिर टोटल करो, फिर CPU ऐड करो, फिर टोटल करो, सेस ऐड करो, फिर टोटल करो, ओके। तो फाइनल आपका जो है वो वैल्यू ऐसे निकल के आ जाता है। और कंक्रीट का कैसा जो है वो रेट एनालिसिस करते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने जो है वो एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है, तो आप इस वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एंड ऐसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।